हेलो एवरीवन, स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज कुछ स्पेशल डे नहीं था, बस एक एक्टिविटी थी जो हमें अटेंड करना था, वो भी अर्ली मॉर्निंग जैसे प्रियांश का स्कूल होता है। तो आज मैंने हस्बैंड को बोला उन्हें भी उस प्रियांश के स्कूल चलना होगा, क्योंकि हमेशा वो ट्रिप के वजह से या ऑफिस टाइमिंग की वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज कुछ मॉर्निंग में ही था जो कि वो ऑफिस के साथ साथ कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप भी चलिए देख लीजिएगा करके। और इस तो हम लोग दोनों निकल गए थे प्रियांश के स्कूल के लिए। स्कूल तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बिल्कुल घर के बगल में ही है, तो हम लोग फटाक से पहुंच गए स्कूल प्रियांश के। तो आज पेरेंट्स के लिए एक लास्ट डे था, उसके बाद दशहरा की छुट्टी होने वाली थी, तो बच्चों का कुछ एक्टिविटी और थीम प्रेजेंटेशन टाइप से प्रिपेयर किया गया था। तो हस्बैंड ने किया एंट्री और हम लोग बस जाने ही वाले थे। हस्बैंड काफ़ी टाइम बाद आ रहे थे प्रियांश के स्कूल और यहाँ लगभग सारे पेरेंट्स आ गए थे। उसके बाद कैंडल लाइटनिंग हुआ, और प्रियांश के स्कूल में मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कुछ भी इवेंट से पहले कैंडल लाइटनिंग होता है, उसके बाद भी इवेंट्स स्टार्ट हो जाता है। तो सारे पेरेंट्स ने जब ग्रैंड पेरेंट्स लोग को बुलाया गया कि कैंडल लाइटनिंग करने के लिए, उसके बाद सारे मम्मियों ने जिन्हें जिन्हें करना था उन्होंने भी कैंडल लाइटनिंग किया। फिर प्रोग्राम स्टार्ट ही होने वाला था, थीम प्रेजेंटेशन था, बच्चों को एक एक टॉपिक दिया गया था और उसके रिलेटेड उन्हें प्रोजेक्ट बनाना था। तो बस सबको जाना था फोर्थ फ्लोर ऑडिटोरियम में। तो सुबह सुबह अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई चलते चलते, और काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पर वेलकम हुआ, तो सबसे पहले थे यहाँ प्री के यानी सबसे छोटे क्लास के बच्चे। ओह सो क्यूट, ये कितनी प्यारी लग रही थी ना, रैबिट रिलेटेड रैबिट। तो इसका टास्क था कि हम लोग जो नंबर बोलेंगे ये उस नंबर पे जंप करेगी, तो ये अच्छा लगा हम लोग को, इसे कराने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत क्यूट भी लग रही थी। और यहाँ थी एक छोटी सी बच्ची जिसे मैं मिला था अर्ली लिटरेसी का टास्क, और यहाँ से हम लोग इसे पूछ रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थे जो शाय करते हैं, तो वो उतना नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे शाय करके बोल रहे थे, लेकिन कोई कोई बच्चे इतने कॉन्फिडेंस थे अपने, तो यहाँ से डिफरेंस पता चल जाता है। कोई कोई बच्चे इतने थे कि हमें शॉक्ड हो जा रहा था कि कितने अच्छे से बोल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले छोटे क्लास के बच्चों से ट्राई किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये बच्चे यहाँ पर फिशिंग कर रहा था, तो इसका कॉलम था फिशिंग का, हम लोग जो बोले लेटर बोलेंगे वो नल लेटर के फिश को उठा के देगा। यहाँ काउंटिंग एक्टिविटी चल रहा था, तो मैंने इस बच्ची को बोला था थ्री काउंट करके निकालने के लिए, बेचारी कंफ्यूज हो गई, बहुत नर्वस हो गई। अच्छा नहीं लगता है बच्चों को इस तरह से नर्वस करना। और इतने सारे बच्चे थे प्री के, K1 K2 और क्लास वन, इतने सारे बच्चे थे और सारे के टेबल्स पे इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी टॉपिक्स थी, और अच्छा लग रहा था। हस्बैंड को बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। जैसे ये बच्ची का टॉपिक मिला था, ये डेंटिस्ट बनी थी, तो इसे कुछ कुछ खाने की चीज़ों के इमेज मिले थे, तो इसे बताना था क्या चीज़ें खाने से दांत अच्छे रहते हैं और क्या चीज़ें खाने से कैविटी होती है। और यहाँ पे एक बेबी था, तो मेरे हस्बैंड उस बच्चे के पास जा रहे थे जिसके पास कोई नहीं था, तो उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने बेटे को भी खोज रहे थे किधर है। तो फाइनली हमें अपना बेटा मिल गया था, उसे इंडेंजर्ड एनिमल का टॉपिक मिला था, यानी जो जो एनिमल्स खतरे में हैं, जिन्हें जिनकी संख्या कम होते जा रही है उनके रिलेटेड उसे कुछ करना था और बताना था। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से डेकोरेटिव तरीके से सब कुछ बनाया गया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत क्रिएटिव था। और यहाँ पे स्टोरी टेलिंग चल रही थी, मैम बच्चों के साथ स्टोरी बता रही थी और टॉपिक दे रही थी, उससे पिक्चर्स देके एक स्टोरी बनाना था। और यहाँ पे कुछ कुछ बच्चियाँ इतनी अच्छे से बोल रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को, लग रहा था कि उनके सामने टीचर्स भी फेल हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था, फुल डे एक्टिविटी थी और बहुत सारे टॉपिक हम लोग को भी जानने को मिले कि ये सब टॉपिक हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे ये छोटे बच्चे को मिला था डाइनो पार्क का टॉपिक, तो ये सारे इतने टफ टफ डायनासोर्स के नाम थे, लेकिन ये बच्चा बहुत ईजली बोल दे रहा था, बहुत ईजली अच्छे से बोल एक्सप्लेन कर रहा था। और यहाँ पे था एक कुछ कुकिंग से रिलेटेड कुछ, तो मैंने वो ऑर्डर दिया था पास्ता बनाने का, बच्ची ने पास्ता बनाया और उसके बाद बोला पेमेंट करने को, मैंने बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोल रही थी कि नहीं पेमेंट करना होगा, उसके पास स्कैनर भी था। और फिर ये इधर उधर घूमते हुए, तब तक मेरे हस्बैंड चले जा चुके थे और उनका ऑफिस का टाइमिंग हो गया था, तो फिर हस्बैंड जा चुके थे, लेकिन मैं अच्छे से इंजॉय कर रही थी मेरा, क्योंकि बच्चे का छुट्टी लास्ट डे था स्कूल का, उसके बाद 10 दिनों की लंबी छुट्टी होने वाली थी। तो इस तरह से ये लास्ट डे निकला प्रियांश के स्कूल का। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा।